हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में एक नया रिक्वायरमेंट आया है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा रिक्वायरमेंट क्या है, ये जॉब कैसा अप्लाई करना है, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, एज कैटेगरी कितना है, एजुकेशन क्या, सब कुछ आज इस व्लॉग में क्लियर करने वाला। व्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये जॉब कैसा अप्लाई करना है क्या है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टर्न द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो जाएगा नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, अभी भी, फ्यूचर में भी और आगे चल के भी। दोस्तों आज का रिक्वायरमेंट निकल गया है सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। हाँ दोस्तों, कोविड कंट्री में सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट निकल गया। ये रिक्वायरमेंट आके गैस एंड पेट्रोलियम कंपनी में रिक्वायरमेंट निकल गया हैज़ ए सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर अप्लाई करने के लिए आपके पास आके मिनिमम टू मिनिमम ग्रेजुएशन होकर रहना बहुत ज़रूरत है। नहीं बीटेक है तो भी चलेगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नीबोश इनबोश की दोनों सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए 3 ईयर्स का, कौन से फील्ड में हो सेफ्टी ऑफिसर का काम करके रहना चाहिए, जैसे कि होटल्स में होगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में होगा, नहीं तो कोई भी ऑयल एंड गैस कंपनी, जो पोजीशन है सेफ्टी ऑफिसर, जो सेम फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है वही बता दें। सेफ्टी ऑफिसर का काम यही रहता है कि एक कोर्स होता है निबोश इम्बोट बोल के, वो करने के बाद आपको सेफ्टी लाइंस एंड गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हैं आप उधर बराबर से चेक करके, उसको रिसर्च करके, उसको बार बता करके रिस्क किधर है, सेफ्टी किधर है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या बरतना चाहिए। बहुत तरह सेक्टर से सेफ्टी ऑफिसर में काम करने के लिए, जैसे होटल्स में होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है, एंड मॉल्स में होता है, फैक्ट्री में होता है, और ये सेफ्टी ऑफिसर ये लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्यों, बहुत बड़ी रनिंग कर रहे हैं जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी उन्होंने बताया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपनी से, बहुत सारे ऐसे फील्ड है कि जिधर पे मैं सेफ्टी ऑफिसर के रहना बहुत लाजिम है। सेफ्टी ऑफिसर का काम तो लाजिम लाजिम चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं तो कोई भी काम आगे नहीं चलता, इसलिए सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकला है। जो कोई भी सेफ्टी ऑफिसर पर कोर्स करके निबोश इनबोश, ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है, इंडिया का 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो रेप्यूटेटेड कंपनी में काम करके आप हैज़ ए सेफ्टी ऑफिसर, तो भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। नहीं आपके पास जीसीसी कंट्री का, कोई भी कंट्री का भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है हैज़ ए सेफ्टी ऑफिसर, सेम फील्ड का ही चाहिए सेफ्टी ऑफिसर, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और एज कैटेगरी बता दूँ, एज आके आपकी 24 ईयर से लेते हो 40 ईयर्स के बीच में दरमियान आपकी एज रहना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। लेकिन ये लोग आज ग्रेजुएशन ही चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, आपको निबोश इनबोश सर्टिफिकेट चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं ये गल्फ का एक्सपीरियंस है, गल्फ का एक्सपीरियंस 2 साल का है तो भी चलेगा, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए हैज़ ए सेफ्टी ऑफिसर। और बहुत अच्छी सैलरी है, इसकी सैलरी बात करूँ तो 550 KD, मतलब इंडियन करेंसी आपको तकरीबन पकड़ के चलो 1,20,000 आपकी सैलरी हो जाती है। 1,20,000 सैलरी में आपको इंक्लूडिंग अकोमोडेशन है, फूड है, ट्रांसपोर्ट पूरे मिला के ये 1,20,000 से लेते हुए 1,50,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। आप 500 KD टू 560 और 550 KD तक दरमियान आपकी सैलरी रहेगी। ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास अपडेट सीवी रहना बहुत ज़रूरत है, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक, एंड जो भी एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी इंडिया का एक्सपीरियंस लेटर है, जो गल्फ का एक्सपीरियंस लेटर वो चाहिए, पूरे स्कैन कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ कॉपीज नहीं चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ईमेल एड्रेस को फॉरवर्ड कीजिए, और साथ ही साथ कंसल्टेंसी का फ़ोन नंबर और एड्रेस सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करके, जो भी डाउट है इस जॉब के बारे में फर्दर आपको इंक्वायरी करना है तो कॉल करके बातचीत कर सकते हैं कंसल्टेंसी वालों को, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है। और बहुत बेहतरीन अच्छी सैलरी, जो भी सेफ्टी ऑफिसर पे, जो भी सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करके, जो भी सेफ्टी ऑफिसर काम करे फर्दर में अपग्रेड होना चाहते तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप कोविड में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर में, ये वाइट कॉलर जॉब है, आप जाके वाइट कॉलर जॉब अच्छे खासे कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं कोविड में। आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, जो भी आपके छोटे क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है, बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो फिर मोर अपडेट्स देता रहता हूँ जॉब्स के रिलेटेड। और सिंपल से आपको समझ में नहीं आया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, उसमें सर्च बार में जाइए, मेरा यूज़र नेम टाइप कीजिए, फेसबुक पेज है जफरुल्लाह बादशाह और इंस्टाग्राम पेज है जफरुल्लाह बादशाह, दोनों आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे। उधर पे आके मेरा यूज़र नेम टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, उधर पर मोर अपडेट देता रहता हूँ। जो भी कोई भी मेरे से पर्सनल से बातचीत करना चाहता है, जो भी डाउट्स है आपके, जो भी पर्सनल से इंक्वायरी लेना चाहता हूँ, मैं उधर पर फील फ्री विथ मी आस्किंग, आप जो भी आराम से पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करेगा आपको। आज के ब्लॉग में इतना ही, ख्याल रखिए अपना भी इस चैनल का।